जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। और जैसा कि फिजिक्स वाले सर हमारे आकर्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जितना हमसे हो पा रहा हम भी कर रहे हैं उतनी मेहनत आपके लिए। और हमारे इंग्लिश वाले सर वो भी आपके लिए तात्पर खड़े हुए हैं। और हमारे चैनल का साथ दीजिए आप लोग, ठीक, डून डिफेंस अचीवर पे, क्योंकि आपका जो साथ होगा, आप लोगों का जो एक सहयोग होता है, एक दूसरी चीज़ का हिस्सा बनना, किसी चीज़ का हिस्सा बनना, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और मैं यही कहता हूँ कि जब हम किसी से जुड़ते हैं या किसी के प्रति आस्था रखते हैं, तो हमको लगता है कि ये हमारे लिए बेटर है या उससे बेटर है, ठीक, अच्छा हो भी सकता है, उससे अच्छा भी हो सकता है, तब जब आप पूरी तरह उस पर विश्वास करते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चों का पेपर नहीं निकलता है कुछ कारणों की वजह से, और कुछ बच्चों का पेपर निकलता है, कुछ बच्चों का नहीं भी निकलता, उनके कुछ रीजन होते हैं। जैसे मान लो कि अगर तुमने आस्था रखी इस चीज़ की कि यार मेरा पेपर तो निकल जाएगा, मेरा पेपर जो है निकल जाएगा, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, और आपने तैयारी जब की तो आपको लगा कि हाँ तैयारी हमारी अच्छी चल रही है, आपने मॉक लगाना टेस्ट चालू कर दिया इन टाइम पे, तो ये पता चलता है कि आखिर में हमारा सिलेबस, हमारे क्वेश्चन अच्छे से लग रहे हैं, सिलेबस में कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब चल रहा। उसके बाद जब आप एग्जाम में जाते हैं, पेपर देते हैं, आपका एग्जाम निकलता है। अच्छा, एग्जाम निकला, किसे आपने सोचा कि हमारा एग्जाम निकलेगा, हमने मेहनत हो गया। कुछ बच्चे होते हैं तैयारी बहुत करते हैं, जो बच्चे का एग्जाम निकला उससे हार्ड वर्क स्टडी वाले होते हैं, बट उनका नहीं निकलता। कारण क्या होता है? अगर हमने मान लिया पहले ही कि हमसे नहीं हो पाएगा और बस लगे पड़े हो, और एक जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन आपकी जो जा रही है ना, वो इस फोकस पे नहीं जा रही, ठीक, आपकी डायरेक्शन यूं यूं जा रही है, यूं 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 आएगी, बहुत देर में आएगी, तो आपको फोकस करना है इस पॉइंट पे कि हमको इस पॉइंट पे फोकस बना के रखना, हमको एनडीए निकालना है, एनडीए निकालना है, सीडीएस निकालना है, या एयरफोर्स निकालना है, या नेवी निकालना है, अदर कोई भी सेक्टर के एग्जाम अगर आपको निकालने हैं ना, तो आपको पहले आस्था रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, सामने वाले पे विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ सामने वाला कैसा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, बढ़िया, क्योंकि आस्था में ही विश्वास है, ठीक। तो वही में हम लोग जो है, हम लोग स्टार्ट किए हैं जर्नी को, स्टार्ट किए अभी से जर्नी स्टार्ट हुई है, अगर आप लोग साथ देंगे तो आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगेगा बस हर चीज़ों के, और हर चीज़ जब टाइम से होती ना तो पंचुअल होती, पंचुअल जब हम कोई काम करते ना रूटीन में आ जाती है, तो आज नहीं कल नहीं परसों, एक दिन ऐसा आएगा जो आप भी हमारे से साथ क्या हो जाएगा, जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे, परिचित हो जाओगे, हम भी आपसे हो जाएंगे। तो आपको पूरी तरह हमारे चैनल डून डिफेंस अचीवर का साथ देना है, हमारे सर जितने हमारे सर हैं, हमारे आकर्ष सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और मैं जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, और हमारे सर इंग्लिश वाले। वो अगर आप लोगों को डिमांड है CTS के लिए, CDS के अकॉर्डिंग अगर रिकॉर्डिंग कोई अगर आपकी डिमांड है, ठीक, CDS की मैथ कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, तो देखो CDS में सब वही सेम है, इंग्लिश जो हमारे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक, इंग्लिश, मैथ जो बचेगी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैथ में पढ़ाऊँगा, CDS की, CGL की, CGCL की मैथ में पढ़ाऊँगा, ठीक, तो मैथ तो मुझसे हो जाएगी, इधर भी चलाऊँगा और NDA भी चलाऊँगा, इधर जो इंग्लिश की इंग्लिश वाले सर पढ़ा ही रहे, हमारे फिजिक्स वाले सर जो GT में कुछ पोर्शन का 25 नंबर्स रहता है
तो फिजिक्स वाले सर पढ़ा रहे हैं इनफ एम के लिए, बस वो भी क्लास ले लिया करेंगे 20-30 मिनट की, अगर जब CDS के प्रॉपर चालू करेंगे वे सिस्टम। और GAT में GS का रीजनिंग का वो सब लेके आएंगे, क्योंकि CDS में तो नहीं होती कारो रीजनिंग, जो CGL के लिए होती है उसके लिए भी लेके आएंगे तुमको, मतलब तुम्हारे लिए एक बढ़िया रीजनिंग का GS का सब टीचर आएंगे। वो कब होगा? जब आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारे अकेडमी का फुल सपोर्ट देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो हमारा आज जो है भी काफ़ी लेक्चर इसमें बन चुके हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आप लोग लगाना, मैंने थ्योरी बता दी सब कुछ बता, अब प्रैक्टिस आप लोग करो, क्योंकि अब इसे अगर हम 1 घंटे क्लास कराएंगे थोड़ा दिक्कत है, प्रैक्टिस हम करा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा करनी है। अगर हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 40-50-60-80 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक। तो आज हम सोच रहे हैं कि इसे साउंड किया जाए, बाकी कल नया चैप्टर चालू होगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हमारा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है आया हुआ है। क्वेश्चन है x बराबर a sec थीटा की पावर n, और y बराबर b tan थीटा की पावर n, x बराबर a sec थीटा की पावर n और y b tan थीटा की पावर n। अभी कह रहा है थीटा जो है एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट। तो इसे लगाने का तरीका, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है गाइस। अगर हम इसे कुछ शॉर्ट ट्रिक से करें तो देखो कैसे होगा। अगर इसे हम x अपान में a कर दें तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा की पावर n। इसे क्या कर देंगे, y पावर b tan थीटा की पावर n। अगर इन चीजों को हम स्क्वायर करके और घटा दें तो आ सकता है, ये काम करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बहुत साइड जो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर और स्क्वायर करके और घटा देंगे, अब स्क्वायर के घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अभी देखो कैसे, तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक्स पावर, हाँ एक काम करते हैं, क्योंकि 2 है ना, तो यहाँ एन हटाने के लिए हम एन को अपॉन में भाग देंगे, या इसे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स पावर मतलब एक्स अपॉन ए सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा 2n, और ये y अपॉन b की पावर 2 tan थीटा। अब यहां से n से हम डिवाइड कर लें, अगर n से अगर डिवाइड कर लें, क्योंकि हमको n यहाँ क्या है कैंसिल करना है, n से n कैंसिल हो गया। अब इन्हें हम क्या करेंगे, घटा देंगे, इन्हें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा x पावर a 2 की पावर n और y की पावर b 2 की पावर n। अब इसको मैंने इसको हटाया ना, तो ये बन गया कुछ इस तरह, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बहुत
सिंपल सा है, आता है एग्जाम में, बट बच्चे नहीं लगा पाते हैं, छोड़ देते हैं। ये वन हो जाएगा जो एक्स अपॉन ए टू अपॉन में एन माइनस वाई अपॉन में बी टू की पावर एन, दिस इज आंसर। तो इसे हम इस तरह करते हैं। अब इसमें बच्चे घबराएंगे कैसे लगाएं, तो फार्मूला भी यूज ही करेंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे सर एन क्यों वहाँ से हटाया, एन इसलिए कर हटाया क्योंकि एन यहाँ की कोई बात नहीं करता। ठीक, तो एन वहाँ से अपॉन भी कर दिया मैंने। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर ब्रेक करके देखेंगे अच्छे से, कोई डाउट होगा कमेंट करना। कि सर एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, क्वेश्चन क्या है देखो, इसी बेस पे कराते हैं। x बराबर a cos 3 थीटा, y बराबर b sin 3 थीटा, थीटा इज एलिमेंट, थीटा जो है वो एक एलिमिनेंट, यहां से थीटा को क्या करें एलिमिनेंट करना है। कैसे, जैसे अगर इसे हम सॉल्व करें तो मैंने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या होगा, इस फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये होगा। आगे आप लोगों को बात समझ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो हम एक काम करते हैं, x बराबर a cos 3 थीटा, y बराबर b sin 3 थीटा। अब 3 में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, स्क्वायर में होता है। तो एक काम करते हैं, पहले 3 यहां से हम कैंसिल करते हैं। 3 कैंसिल करने के लिए ट्रिक, इसे क्या करेंगे, x अपॉन में a आ जाएगा और cos 3 एक्स अपॉन ए कॉस की पावर थ्री थीटा, ऐसे क्या लिखेंगे वाई अपॉन बी साइन, ठीक साइन थ्री पावर। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे थ्री तो रखेंगे नहीं, तो यहाँ वन अपॉन में थ्री कर देंगे, ऐसे कर लें, इसे ऐसे कर लो, थ्री ना थ्री है तो वन बाई थ्री से हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों साइड में वन बाई थ्री से हम डिवाइड कर देंगे। इसको भी ये पहले हिस्सा थ्री, तो वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री। अगर आप लोगों बस में, अगर आप सी डी एस की, सी जी एल की, फिजिशल की, सी डी एन डी ए की, एयरफोर्स की, नेवी की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो इतना तो पता होगा कि कैसे हम इधर हटा रहे हैं। ठीक, अब इतना बच्चा तो छोटा बच्चा भी जानता है। अब एक्स एक्स वन बाई थ्री कॉस थीटा, वाई बी वन बाई थ्री साइन थीटा, ये आया। अब मैंने रिलेशन क्या बताया, प्लस में होता है, तो हम अगर अभी यहाँ पे आया ना, तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों में दोनों साइड क्या कर देंगे, इसकी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में ए, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ये टू हो जाएगा ना, यहाँ पे टू अपॉन में थ्री बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बी वाई बटे बी, और टू अपॉन में थ्री साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये फार्मूला हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, वहाँ सब्ट्रैक्ट किया था कि वो फार्मूला प्लस का था, यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x अपॉन में a टू की अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में b टू की अपॉन 3 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वन हो जाएगा, x अपॉन में a 2 बाई 3 y अपॉन में b 2 बाई 3, ये वन आंसर आ जाएगा। x अपॉन a टू की पावर 3 प्लस y
वाई अपॉन बी टू की पावर 3। दिस इज आंसर 1 के बराबर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ गाइस, मैं आज आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ कि हाँ इतने लगा लो इतने हो जाएंगे। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी, मैं थ्योरी पढ़ा दी, ऐसे कोई चीज़ नहीं जो मैंने बताई नहीं। मैक्सिमम मिनिमम ठीक रूल निकालना सब कुछ मैंने बता दिए। यहाँ पे जो सीजीएल का यूज़ करते थे हम, वो कहते थे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट भी कल करवा दिए थे जो सीजीएल में यूज करते हैं, मैंने यहाँ भी बता दिया। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जो यहाँ पर करा पा रहा हूँ। और बहुत आप लोगों ने सपोर्ट दिया, हमारे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इस जर्नी स्टार्ट हुई है। अगर जिस दिन 2K सरका वादा हमारे सर ने बोला है, आकर्षण ने, जिस दिन 2K हो जाएंगे उस दिन स्मार्ट बोर्ड, इसी स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा, ये मेरा पूरा वादा है। तो 2K सब्सक्राइब आप जल्दी कीजिए, मैं लगाऊंगा कैसे भी करके। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? एक्स बराबर ए कॉस वाई बराबर बी साइन 4 थीटा। तो यहां पे एक काम करते हैं, ये दिया हुआ है थीटा एलिमिनेट करना है। कैसे देखो, अब एक काम करते हैं, एक्स अपॉन ए जो कॉस 4 थीटा के बराबर होगा, वाई अपॉन बी जो साइन 4 थीटा के बराबर होगा। अभी इतनी बात समझ में, अगर हम इसको 1/2 से बोथ साइड में अगर हम इंटू करें तो क्या होगा, एक्स अपॉन में ए की पावर 1/2 4 कितना हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा ना, वाई अपॉन में बी 1/2 और साइन 1 और 2 यही ये वाली है। अब इनको हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होगा, इनको हम जेड जोड़ कर ऐड कर देंगे। और 1/2 क्या होता है, 1/2 रूट में होता ना, तो एक्स अपॉन में ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन अंडर रूट में वाई अपॉन में बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, नंबर देख लेना एक बार। एक्स अपॉन में ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन में बी साइन थीटा, एक्स अपॉन में ए कॉस थीटा माइनस वाई अपॉन में बी साइन थीटा बराबर 1। देन थीटा इज एलिमेंट। अब थीटा को एलिमेंट कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे इसमें, जो कुछ हो तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अगर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड कैसे कर देंगे, यहाँ देखो, यहाँ से ये चीज को ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। अब ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर तो हम इसमें
ये जो दिए है ना इनको हम दोनों का वर्क करेंगे और ऐड कर देंगे, मतलब लिखना देन उसके बाद क्या करना है बोथ साइड स्क्वायर एंड बोथ साइड का स्क्वायर करना और ऐड करना है। ठीक, कैसे स्क्वायर का करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में टू एक्स अपॉन में ए इंटू वाई अपॉन में बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगली बात समझ आप लोग, यहाँ पे इसका भी देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ गाइस, टू एक्स अपॉन में ए इंटू वाई अपॉन में बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैंने बताया आप लोगों को अब इसे हम कर देंगे ऐड। अब जो गाइस ऐड करेंगे बच्चों हमारे प्यारे से तो ये कट जाएगा ना, अब ये और ए यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। आइए आप लोगों को समझ में, ठीक, और यहां से काम करते हैं, हाँ यहां से ये और ये जोड़ लेते हैं तो y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर अपॉन में नहीं x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, यहां से साइन स्क्वायर काम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 1 2। यहां से हम क्या करते हैं ये पार्ट दोनों कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा है एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कितना होता है गाइस, ये कितना होता है, ये 1 होता है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर दिस इज द सम। तो ये बात ध्यान रखना कि कैसे मैं लगा रहा हूँ उसी बेस में चलते हैं लगाते रहेंगे, ठीक। और यहाँ पे कोई यहाँ पे क्या है जैसे अगर मान लो यही क्वेश्चन है प्यारा सा क्वेश्चन जो करा रहा था देखो शॉर्ट ट्रिक लगाने के क्या ट्रिक होंगे इसको देखो शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ एक बार, आप भाई ऑप्शन से कैसे करोगे देखते हैं भाई, ऑप्शन से अगर लग जाए तो बहुत अच्छी ही बात है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसके भाई, ऑप्शन कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 0, पहली बात पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 2, और फोर्थ ऑप्शन क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर -1। ये दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन जो है इस बेस में दिए हुए हैं। अब हम कैसे लगाते हैं इसे, लगाने की ट्रिक क्या होगी, क्या होगा मेथड, मैंने बताया था कि साइन जहां भी दिखे हमें काम करते हैं इसमें, साइन दिखे कॉस दिखे साइन दिखे और कॉस दिखे तो 90 या 0 पुट करना बस, अगर 90 इसमें रखोगे तो एक्स अपॉन में ए साइन कॉस 90, अगर 90 यहाँ पुट कर रहे हैं हम 90 भी रख रहे हैं 0 नहीं रखेंगे, 0 भी रख सकते हो भाई कुछ रहो, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा वाई अपॉन में बी, जो कॉस 90 कितना होता है 1, तो यहाँ से वाई अपॉन में बी बराबर 1 आर देख रहे हैं गाइस, कोई सी दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं यहाँ भी रखेंगे क्या, यहाँ रखेंगे 90 एक्स अपॉन में ए इंटू 90 कितना हो जाएगा 1, ठीक, और माइनस वाई अपॉन में
बी। कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो बराबर वन, तो एक्स अपॉन में ए बराबर वन। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि आंसर क्या है, वाई अपॉन में बी बराबर वन और एक्स अपॉन में ए बराबर वन। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर स्क्वायर में दे रहा ना, दोनों का स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, y अपॉन में a की पावर ये हो जाएगा b और x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, दोनों जोड़ लोगे। तो शॉर्ट ट्रिक से गाइस विश्वास नहीं मानोगे, हमें भी नहीं पता था कि हाँ ये लगेगा, क्यों कि मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगाया, बट गाइस लगाया यहाँ पर, तो इस बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि देखो स्क्वायर तो हम सब में करने ही करना था, स्क्वायर करके हमें जोड़ने थे, तो वन वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो सेम शॉर्ट ट्रिक से ही लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जितना हो पाएगा उतना जरूर बताएंगे आप लोगों को, और डरने की कोई बात नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह आप लोगों को चलना है। स्टार्टिंग है, देखो अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स साइन थ्री थीटा प्लस वाई कॉस थ्री थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और दिया हुआ है एक्स साइन थीटा बराबर वाई और थीटा। यहाँ पे थीटा जो है एलिमेंट करना है, कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन दिया है आपके सामने, आप लोगों को क्या करना है, इसको एक बार ट्राई करना, ट्राई करना, अगर नहीं लगे तो कमेंट करना, आपका जो आंसर है बताया जाएगा, क्योंकि ये मैंने इसी में डाल दिया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लगाना जरूरी है, कैसे नहीं छोड़ दें। अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा निकालते हैं। अब इसे लगाने के क्या मेथड है, तो कॉस को हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर एम, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एम। अब यहां से ही देखो क्वेश्चन ये वाला, वन अपॉन में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर एम है, यहाँ वन माइनस ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इससे हम क्या कर लेंगे, यानी यहाँ से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस। अभी इतना तो आ गया, एम बी कितना आ जाएगा, वन अपॉन में कितना आया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना है समझ में आप लोगों को। ठीक, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि इसका अगर एम स्क्वायर इंटू एम जो अगर करेंगे यहाँ पे उसी में घुस रहा है एम स्क्वायर इंटू एम, तो एम का स्क्वायर कर देंगे तो अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में एन कितना हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। आ गई आप लोगों को बात समझ में? यहां से साइन स्क्वायर थीटा कैसे हो जाएगा और अपॉन में ओहो ये स्क्वायर थोड़ा होगा तो वन अपॉन में कॉस थ्री थीटा जो एम स्क्वायर एन के बराबर होगा। और यही जो है ये किसके बराबर होगा? सेक थ्री थीटा के। तो यहां पे अगर सेक आ गया तो यहां से एन स्क्वायर और एम क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा टेन थ्री थीटा। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा ऐसे होगा ना वन प्लस एन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा। इससे निकाल लोगे यहाँ पे हम पुट कर देंगे सेक थीटा थीटा की वैल्यू या थीटा मान लिया इसको। अब देखते हैं हम करेंगे कैसे इसे। सॉरी फॉर देट क्योंकि स्पेस फोन में नहीं रह जाता कहीं कहीं कि क्लासेस ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे आपको खिचड़ी लग रहा होगा, खिचड़ी मतलब समझते हो, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या करेंगे यहाँ देख लेना अच्छे से, एम स्क्वायर एन कितना है? एम स्क्वायर एन कितना है? सेक थ्री थीटा। यहाँ पे लिखेंगे एन एन एम की पावर स्क्वायर कितनी है? टेन थ्री थीटा। मैंने एक लेसन पढ़ा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है गाइस वन के बराबर होता है, होता है ना रिलेशन होता है। तो काम करते हैं इसे पहला दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से हम बोथ साइड थ्री तो हटाएंगे, थ्री हटाएंगे और स्क्वायर करेंगे। तो थ्री हटाने के लिए एम स्क्वायर एन थ्री हटाएंगे तो वन बाई थ्री हो जाएगा पहली बार सेक थीटा और थ्री इन वन अपॉन थ्री। ये हम थ्री यहां से कैंसिल कर रहे हैं, थ्री कैंसिल कर रहे हैं ठीक। और यहां पे टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री क्योंकि थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा। अगले अगली बार देखो एन एम स्क्वायर वन बाई थ्री टू टेन थीटा थ्री टू अपॉन में थ्री। अगली बार सुन लो तो यहां स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ ठीक। और यहाँ पे टू तो रहेगा ही रहेगा ना, टू अपॉन थ्री से किया ना डिवाइड। अब इनको क्या करेंगे घटा देंगे मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे एम स्क्वायर एन की पावर टू माइनस थ्री एन एम स्क्वायर टू की पावर थ्री और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है वन एम स्क्वायर एन की पावर टू बाई थ्री माइनस एन एम स्क्वायर टू की पावर थ्री। दिस इज आंसर। तो ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा हूं उड़ा के आना इसी बेस पे ठीक। ये समझ में आ गया होगा स्क्वायर मैंने किया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था देख लेना एक बार, एक टाइम है बचा नहीं क्योंकि और भी क्वेश्चन देने हैं आप लोगों को, लगाना है क्वेश्चन, अगर ना लगे तो बताना। टेन का बता दिया ना, इसी बेस पे लगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है। अब एक डाउट होगा तुम्हारे अंदर कि सर शॉर्ट ट्रिक से लग जाएगा? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी लग जाएगा, थीटा एलिमेंट करना है। ये क्वेश्चन लगाना सेवन नंबर, एट नंबर लगाना, एट नंबर क्या है इसी बेस पे देखता हूँ अगर कोई दिया हो तो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, x बराबर h प्लस p sec थीटा अल्फा, y बराबर k प्लस q cosec अल्फा, एट नंबर ठीक। ये क्वेश्चन दो दिए हैं, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा मैंने नहीं दिए, दो क्वेश्चन दिए हैं जो आई थिंक आ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आ ही सकते हैं। और
मेरे पास बुकों का कलेक्शन पूरी तरह है, जहाँ से भी डाउट होंगे आपके मैं जरूर सॉल्व करूँगा उनको, और मैं हर बुक का यूज कर रहा हूँ, पाथफाइंडर है, RS अग्रवाल है, मंजुल त्यागी, और हमारे PVS सर क्वेश्चन जो दिखाए थे आपको कल, तो उससे भी निकालेंगे क्योंकि अब स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन कराए आज यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ऐसा अब आपके अंदर डाउट होगा कि सर आपने तो कुछ क्वेश्चन नहीं कराया, भाई मैंने जितने करा ना उतने कर लो, प्लस आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं जरूर कल से न्यू टॉपिक उठाएंगे, अगर देखेगा अगर बन जाएगा तो न्यू देख लेंगे, अगर बच्चा होगा तो कल करा देंगे, वैसे न्यू चैप्टर अगले दिन से होगा। और हमारे एकेडमी का ड्रोन डिफेंस अचीवर का साथ दीजिए, हमारे सर का साथ सबका साथ दीजिए, और लगे रहिए अपने जो आपने लक्ष्य बनाया उसके पर आप दृढ़ निश्चित रहिए, ठीक। और मिलते हैं नए जोश के साथ, नए होश के साथ, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।